Assalamu alaikum, I am Asad Akbar and you are watching Study Page. This is the new lecture in the series Introduction to Programming in C. In this lecture, we are going to discuss about operators in C. مختلف operators C میں ہم use کرتے ہیں ان کے بارے میں ابھی study کرتے ہیں. So, سب سے پہلے what means by an operator and what means by operand کیونکہ ان کے بارے میں بار بار ہم پڑھیں گے. So, سب سے پہلے اس کو جاننا ضروری ہے. An operator is a symbol that specifies an operation to be performed on the operands. ایسا symbol جو کسی operation کو use کرتا ہو تو اس symbol کو ہم کہیں گے operator. ٹھیک ہے. So, an operator is a symbol that specifies an operation. اور کس چیز کی اوپر یا جس ڈیٹا کی اوپر وہ operation ہم perform کرتے ہیں this will be called operand. For example, دو numbers کو جب ہم add کرتے ہیں, for example, 1 plus 1. تو یہ plus sign ہمارے پاس operator ہے اور یہ 1 اور 1, these are called operands. ٹھیک ہے؟ تو ایک operator ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک symbol, جو کہ کسی operation کو represent کرتا ہے. اور وہ operation جس data کے اوپر یا جس variables کے اوپر یا جس number کے اوپر ہم perform کرتے ہیں, these are called operands. The value or variable that an operator take is called operand. Clear? For example, consider the following expressions or statements. तो ये नीचे mathematical expressions या programming statements को consider कर ले. ये here, for example, 2 plus 3. So here plus is the operator and 2 and 3 are operand. Similarly, A assign 5. So this is assignment operator. ये जो equal to का sign है mathematics में हम इसको equal to का sign कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी equality का sign mathematics में इसको कहते हैं. लेकिन यहाँ पर इसको हम कहेंगे प्रोग्रामिंग में इसको हम कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज नॉट इक्विलिटी ऑपरेटर. सिमिलरली एम परसेंट सी, सो दिस इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर. ठीक है. और सी हमारे पास ऑपरेंड है. तो अभी हम पढ़ेंगे कि एड्रेस ऑपरेटर क्या मतलब, असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब, ये डिटेल में आगे पढ़ते हैं. ठीक है. ऑपरेटर्स टेक टू ऑपरेंड्स आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स. वो ऑपरेटर जो कि दो ऑपरेंड लेते हैं इनको कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर. फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, प्लस हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके दो ऑपरेंड्स हैं. सिमिलरली असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास ऐसा ऑपरेटर है जिसके दो ऑपरेंड हैं. इसके बरक्स ये एम्परसेंट हमारे पास ऐसा ऑपरेटर है जिसका सिर्फ एक ऑपरेंड है. सो दीज टू आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स व्हाइल दिस वन इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर. ऑपरेटर्स दैट टेक वन वैल्यू इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर्स. फॉर एग्जाम्पल एम्परसेंट है, नॉट ऑपरेटर है, एंड सो ऑन. और भी हमारे पास ऑपरेटर्स इस तरह के हैं. नाउ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर्स है सी में. सो ऑटोमेटिक ऑपरेटर्स है, वन बाय वन इसको हम पढ़ लेंगे अभी. रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स. सो वन बाय वन इनको स्टडी कर लेते हैं. सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. ऑटोमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑन न्यूमेरिक डेटा टाइप. जिस तरह नाम से जाहिर है कि ऐसे ऑपरेटर जिसके थ्रू हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकें या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकें उनको हम कहेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. कॉमनली यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन सी और दी फॉलोइंग. तो हमारे पास कॉमनली जो सी में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो ये है. फॉर एडिशन वी यूज द ऑपरेटर प्लस, तो सिंपल है. नॉर्मली भी हम इस तरह यूज़ करते हैं. ठीक है. सब्ट्रैक्शन माइनस साइन. ठीक है. फॉर मल्टीप्लिकेशन वी यूज़ द स्टेरिक. फॉर डिवीजन वी यूज़ द स्लैश. फॉर मॉडुलस ऑपरेशन वी यूज़ द परसेंट साइन. मॉडुलस ऑपरेशन मींस रिमाइंडर ऑपरेशन. मींस अगर आप एक वैल्यू को दूसरे पर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइड बाई 2, सो 2 2s आर 4. तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ आता है 1. तो अगर आप फॉर एग्जांपल 5% 2 लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा 1. दिस इज द रिमाइंडर और मॉडुलस ऑपरेशन. ठीक है. ओके. एक्सपोनेंशिएशन, आप लिखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल 2 टू अ पावर 3, सो फॉर दिस वी विल यूज डबल स्टेरिक. इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर मीन्स ये हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर है जो किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 इंक्रीज करता है. फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल लिया है ए और इसकी वैल्यू आपके पास है फॉर एग्जांपल 5. ठीक है. और आपने फिर लिख दिया कि ए प्लस प्लस. तो अभी ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो इसके बाद ए की वैल्यू जो है वो 6 होगी. ठीक है. 1 इंक्रीमेंट होगी.
फिर अगर आपने दोबारा ए प्लस प्लस कर दिया सो इसकी वैल्यू 7 बन जाएगी एंड सो ऑन। सिमिलरली डबल माइनस या माइनस माइनस मीन्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर मीन्स अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू को फॉर एग्जांपल इस तरह 5 लिया है और आपने ए माइनस माइनस लिख दिया तो उसकी वैल्यू फिर 4 हो जाएगी। ठीक है, ये किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 डिक्रीमेंट करता है। ठीक, ओके। मॉडुलस ऑपरेटर वर्क ओनली विद इंटीजर टाइप डेटा। लास्ट स्टेटमेंट में लिखा गया है कि मॉडुलस ऑपरेटर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप डेटा के साथ काम करता है या हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ इंटीजर डाटा के साथ, ये जो मॉडुलस ऑपरेशन है। ठीक है, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। बाकी जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ है ये हम किसी भी न्यूमेरिकल डेटा टाइप डेटा के साथ यूज़ कर सकते हैं। द सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो जिस तरह नाम से जाहिर है कि ऐसे ऑपरेटर्स होंगे जो दो वेरिएबल्स के दरमियान किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। रिलेशन मींस वेदर वन वेरिएबल इज इक्वल टू द सेकंड वेरिएबल, वेदर वन वेरिएबल इज ग्रेटर देन द सेकंड वेरिएबल एंड सो ऑन। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू ऑपरेंड्स एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, इन ऑपरेटर्स के थ्रू हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं और उनके दरमियान ये रिलेशनशिप फाइंड करते हैं कि एक और दूसरे वेरिएबल के दरमियान रिलेशन क्या है। इट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू इधर ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द कंपेरिजन रिजल्ट। तो इसके थ्रू हम कंपेरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं कि आया दो वेरिएबल्स इक्वल है तो हम ये रिलेशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, इसको कहते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर या इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड वेदर ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है, तो हम इस तरह लिखेंगे और ये हमें या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। इफ़ द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर सेम सो इट विल रिटर्न ट्रू, इफ़ द वैल्यूज ऑफ बी ए एंड बी आर डिफरेंट सो इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, सिमिलरली नॉट इक्वल टू, अभी इक्वल टू और नॉट इक्वल टू दोनों का काम सेम है, लेकिन नॉट इक्वल टू मीन्स अगर दो वेरिएबल्स हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इक्वल है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा और अगर वो दोनों डिफरेंट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आया ये दोनों इक्वल नहीं है, सही है, और फर्स्ट वाले में कहते हैं कि आया ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, हम यहाँ निगेशन में बात करते हैं। ठीक, अच्छा, ग्रेटर देन, तो फॉर ग्रेटर देन दिस ऑपरेटर इज़ यूज ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए और बी दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और ए की फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यू हमारे पास है 2 और बी की वैल्यू है फॉर एग्ज़ाम्पल 5, तो इस केस में अगर हम लिखे इज़ ग्रेटर देन बी सो ये हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। सिमिलरली ए इज़ लेस देन b, so for this we will use less than symbol and if we write a is less than b it will return us true because a is a less than b. a is greater than or equal to b, so this is the greater than or equal to symbol. ठीक है, तो अगर हम देखना चाहते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे से ग्रेटर या उसका इक्वल है या नहीं, दोनों में डिफरेंस यह है कि इसमें सिर्फ हम ग्रेटरनेस या एक नंबर को जो हम देखते हैं ये स्मॉल है या नहीं ये देख लेते हैं। ठीक है, और दूसरी में हम ये भी देखना चाहते हैं कि ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, मींस कि हम एक तरह से दो कंडीशन को कंबाइन कर रहे हैं इन वन ऑपरेटर, और सिमिलरली लेस देन और इक्वल। ठीक है, इफ़ अ वेरिएबल इज लेस देन और इक्वल टू इन अदर वेरिएबल सो दिस विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज दिस विल रिटर्न फॉल्स। ओके, नाउ देयर इज अ टास्क फॉर यू पीपल। In the task is write a program that asks you to enter your name and age. ऐसा program लिखते हैं जो आपसे आपका नाम और age जो है as input ले रहे। Then displays the entered name and age, आपके नाम और age को वो print कर दे and finally tells you based on your age whether you are a child, teen or an adult. तो इसमें देखे आपने if statement में आपने इस तरह लिखना है कि इफ़ स्टेटमेंट जो कि हम अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ चुके हैं तो ये मैं आपको बताता हूँ। आपने एज एंटर कर दिया और फॉर एग्जांपल आपने अपनी एज को एक वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया, उस वेरिएबल को आपने नाम दे दिया एज, तो फिर आप इस स्टेटमेंट को इस तरह लिखेंगे इफ़ एज इफ़ एज इज़
greater than, yeah, for example, so sorry, if h is less than 13, ठीक है, तो यहाँ प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं कि यू आर अ चाइल्ड, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं और उसमें लिखते हैं इफ एज इज लेस देन और इक्वल टू 19 एंड एज इज ग्रेटर देन 13, सो प्रिंट यू आर अ टीन, और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 प्रिंट यू आर एडल्ट। सो दिस इज स्मॉल टास्क, और इस टास्क में आप क्या कर रहे हैं, जस्ट ये जो ऑपरेटर हमने पढ़े हैं ये इन ऑपरेटर को आप यूज कर रहे हैं, ठीक। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, सो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन बूलियन एक्सप्रेशंस और कंडीशंस। बूलियन एक्सप्रेशंस मींस ऐसे एक्सप्रेशंस या ऐसे प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स जिनका आउटपुट हमारे पास ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में होता है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन है कि फॉर एग्जांपल ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसका आउटपुट या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या इन अदर वर्ड्स ये हमें या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जो या ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं उनको ये कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस या बूलियन स्टेटमेंट्स या बूलियन कंडीशंस। ये कंडीशन अगर है तो इसको हम आप बूलियन कंडीशन भी कह सकते हैं। तो अभी अगर आपने दो तीन बूलियन कंडीशन को आपस में कंबाइन करना हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह एज का एग्जांपल है ये, इसमें अगर एक बंदा टीन है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका एज 12 ईयर से ज़्यादा होगा और 20 ईयर से कम होगा। तो अगर हमने इसके एज को कंपेयर करना है तो इसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन 12 एंड, तो एंड जो यहाँ पर आ रहा है दिस इज लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। सो इफ एज इज ग्रेटर देन 12 एंड एज इज लेस देन 20, सो द पर्सन इज अ टीन और टीन एजर, ठीक है। सो यहाँ पर हमें इस ऑपरेटर की जरूरत होगी, दिस इज कॉल्ड एंड, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास ऐसे ऑपरेटर है जिनके थ्रू हम डिफरेंट बूलियन एक्सप्रेशन या कंडीशन को कंबाइन करते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे इंशाल्लाह, तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो सपोर्ट सी सपोर्ट थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स, दे आर एंड और एंड नॉट, ठीक है। काम किस तरह करते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। इफ़ वी राइट ए एंड बी, सो इट मीन्स अगर ए की वैल्यू बी ट्रू हो बी की वैल्यू बी ट्रू हो तो इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू भी ट्रू हो जाएगी, और अगर इन दोनों में किसी एक की वैल्यू बी फॉल्स हो तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी तरह लॉजिकल और ऑपरेटर है, ठीक है। ए और बी इज ट्रू इफ ईदर ए और बी इज ट्रू, क्या मतलब, आप दो बूलियन एक्सप्रेशन को कंबाइन कर रहे हैं यूजिंग और ऑपरेटर, तो अगर इन दोनों में एक भी ट्रू हो गया तो इसका आउटपुट ट्रू होगा। फर्स्ट के केस में अगर दोनों में एक भी फॉल्स हुआ तो इसका आउटपुट फॉल्स होगा, सेकंड और के केस में एक भी ट्रू हुआ तो आउटपुट ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल इफ द पर्सन एज का एग्जांपल अगर आप ले लें तो उसमें हम एंड यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम टीन एजर उस बंदी को कहेंगे जिसका एज 12 ईयर से ज़्यादा है, और मीन्स ज़रूरी है कि दूसरा कंडीशन भी ट्रू हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 12 ईयर से ज़्यादा हो, एक कंडीशन इसका ट्रू होना चाहिए, दूसरी का भी ट्रू होना चाहिए, दूसरा क्या है कि 20 से कम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम एंड यूज़ करेंगे, इफ़ द पर्सन एज इज़ ग्रेटर देन 12 एंड द पर्सन एज इज़ लेस देन 20, तो इसमें हम एंड को यूज़ करेंगे, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है। ये सेकंड केस में ये हम उस सिनेरियोज में यूज़ करते हैं जब हमें दोनों कंडीशन में से किसी एक का ट्रू होना चाहिए, दोनों का हो या ना हो लेकिन एक का एटलीस्ट हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कह दें कि कंप्यूटर साइंस में वो लोग एलिजिबल है जिन्होंने FSC कंप्यूटर साइंस में किया हो या उन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग फील्ड में किया हो, तो अभी देखें यहाँ पर और कंडीशन आ रहा है, इफ़ द पर्सन हैज़ FSC इन कंप्यूटर साइंस और या कंप्यूटर साइंस में किया हो या द पर्सन हैज़ FSC इन प्री इंजीनियरिंग, दोनों में एक भी ट्रू हो या दोनों ट्रू हो तो
हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आउटपुट जो है वो ट्रू होगा। द लास्ट वन इज नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर हम इस तरह यूज करते हैं, ठीक है, दिस इज नॉट ऑपरेटर, ए इज वेरिएबल एंड इट इज ट्रू इफ ए इज नॉट ट्रू। क्या मतलब, आपके पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू फॉल्स है, तो अगर आपने उसके साथ नॉट लगा दिया तो आपको ट्रू रिटर्न होगा, और अगर आपने आपका बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू है और आपने उसके साथ नॉट लगा दिया तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक। नंबर फोर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये जो सिंबल है इसको हम इक्वलिटी ऑपरेटर नहीं कहेंगे, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या काम करते हैं, ये लेफ्ट साइड की वैल्यू को लेके राइट साइड की वेरिएबल में असाइन करता है, ठीक है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। ये ऐसे ऑपरेटर हैं जिनके थ्रू हम वेरिएबल्स में वैल्यूज सेव करते हैं या असाइन करते हैं। दिस आर यूज टू अपडेट द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल बेस्ड ऑन इट्स करंट वैल्यू और द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। तो क्या मतलब कि ये ऐसा ऑपरेटर है जिनके थ्रू हम वेरिएबल्स की वैल्यू को अपडेट करते हैं या न्यू वैल्यूज को असाइन करते हैं, किसी और वेरिएबल से एक किसी और वेरिएबल में वैल्यू सेव करते हैं, या किसी एक वेरिएबल में हम कोई कांस्टेंट वैल्यू सेव करते हैं, एंड सो ऑन। सो कॉमनली यूज असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी और द फॉलोइंग, दिस इज सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी वैल्यू को या किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को किसी वेरिएबल में सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने लिखा है सी असाइन ए प्लस बी, इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है, दोनों जब प्लस हो जाए तो 12 आता है, तो यहाँ सी की वैल्यू 12 हो जाएगी। मीन्स ये राइट साइड पर एक्सप्रेशन पहले इवेलुएट होगा, फिर उसका जो आंसर आता है वो रिटर्न होगा और लेफ्ट साइड के वेरिएबल में सेव होगा, एंड दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट, ठीक है ना। ओके, प्लस इक्वल टू, सॉरी, प्लस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर इज कॉल्ड सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, और ये बाकी जितनी भी है इनको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह काम करते हैं, इसको हम इस तरह लिखते हैं ए प्लस असाइन बी, इसका मतलब ये होगा कि ए की वैल्यू के साथ बी की वैल्यू ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, या ए की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो इस एक्सप्रेशन की एग्जीक्यूशन के बाद ए की वैल्यू जो है हमारे पास वो 5 हो जाएगी, एंड दिस इज सेम एज ए असाइन ए प्लस बी। मीन्स आप अगर फॉर एग्जाम्पल ए असाइन ए प्लस फाइव ये लिखना चाहते हैं तो इसके बजाय आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर और 5, दोनों इक्वल है, दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल है, ठीक है। तो आप किसी वेरिएबल के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू दोबारा सेव करना चाहते हैं विद सम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है, तो आप इसको इस तरह कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। सिमिलरली माइनस और असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड सबट्रैक्ट एंड असाइनमेंट। तो ये हमारे पास हम इस तरह लिखते हैं ए माइनस प्लस ए माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर बी इज सेम एज ए असाइन ए माइनस बी, ठीक है। सो ए माइनस बी अगर आपने ए में वापस सेव करना हो तो उसके बजाय आप कंपाउंड ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन स्टेरिक असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरह हम लिखते हैं, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू ए असाइन ए स्टेरिक बी, एंड सिमिलरली डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अगर आपने ए असाइन ए डिवाइड बाई बी लिखना है तो आप इसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को थ्रू इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक। ओके, नाउ बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, तो अगर आप गेन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो खैर है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने DLD पढ़ी हो, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, उसमें नंबर सिस्टम्स होते हैं, अगर नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है तो ये आपके लिए ईजी होगा। बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इंडिविजुअल बिट ऑफ इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर की जो इंडिविजुअल बिट्स होती हैं, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज है, जितनी भी वैल्यूज है वो कंप्यूटर में बाइनरी में हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 10, अगर मैं 10 की बात कर दूँ और एक इंटीजर वेरिएबल ले लूँ, ठीक है, जिसका लेंथ 2 बाइट होता है, तो वो मेमोरी में इस तरह रिप्रेजेंट होता है, एक बाइट मुकम्मल 0, सेकंड बाइट जो है ये 10 का बाइनरी फॉर्म है,
ठीक है, ये से होगा इस तरह सिक्स इन बाइनरी। दिस इज फर्स्ट बिट इज फर्स्ट बाइट इज ऑल जीरो एंड सेकंड बाइट इज सिक्स इन बाइनरी। ठीक है, सिक्स इन बाइनरी हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं 110। ठीक है, दिस इज द डिसिमल सिक्स एंड दिस इज द बाइनरी सिक्स, दिस इज द डिसिमल टेन एंड दिस इज द बाइनरी टेन। ठीक, तो अगर आपने बिट वाइज ऑपरेटर परफॉर्म करना हो तो इसका मतलब ये होगा कि हर एक इंडिविजुअल बिट पर यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल बिट वाइज एंड ऑपरेटर, जिसको हम इम्परसन से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोग्राम के अंदर ये एक्सप्रेशन लिखते हैं 10 M% 6, तो इस आपको रिजल्ट मिलेगा 2। क्यों? क्योंकि वो एंड लेता है हर एक इंडिविजुअल बिट्स का। फॉर एग्जाम्पल ये 10 है और नीचे हमारे पास 6 है। ठीक है, तो अगर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दें तो ये फर्स्ट बिट जो है इस फर्स्ट बिट के साथ कंपेयर होगा, इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो एंड ऑपरेशन में अगर दोनों बिट्स हमारे पास 1 है तो आउटपुट 1 आता है, अदरवाइज आउटपुट 0 आता है। तो इन दोनों जब एंड ऑपरेशन इन दोनों के ऊपर परफॉर्म होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर इन दोनों का नंबर है तो दोनों 1 है, आउटपुट में 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास इन दोनों के ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो 1 और 0 जब एंड हम अप्लाई कर दें तो यहाँ 0 आ जाएगा। अगेन यहाँ से इन दोनों बिट्स को जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ 0 आ जाएगा, बाकी सारी 0 है, इट मीन्स ये भी सारी 0 ही आ जाएंगे। और हमारे पास जो स्ट्रिंग रह जाएगा उसमें सिर्फ 1 और 0 और बाकी 0 होंगे इस तरह। ठीक है, एंड दिस इज द बाइनरी 2। बाइनरी नंबर्स में हम 2 इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए रिजल्ट हमारे पास यहाँ 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स अगर आप पिक कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बाद में आप जब थोड़ा और ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे तो ये खुद बहुत क्लियर हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ बिट वाइज और ऑपरेटर, जिस तरह एंड ऑपरेटर हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इस तरह और ऑपरेशन भी हम बिट वाइज परफॉर्म करते हैं। इस तरह बिट वाइज एक्स और है, बिट वाइज 1 कॉम्प्लीमेंट है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है। तो अगर आपने DLD पढ़ी हो तो लेफ्ट शिफ्ट और बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ये भी आपके लिए ईजी होगा। अगर DLD आपने नहीं पढ़ी हो तो फिलहाल इसको आप छोड़ दें। कंडीशनल ऑपरेटर, तो कंडीशनल ऑपरेटर फिलहाल हम छोड़ लेते हैं। वी विल स्टडी दिस ऑपरेटर अ बिट लेटर बिकॉज इफ वी स्टडी इफ एल्स स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट देन वी विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर्स, तो स्पेशल ऑपरेटर्स भी फिलहाल हम छोड़ लेते हैं। वी विल स्टडी दिस ऑपरेटर इन लेटर लेक्चर्स, क्योंकि इनका जब बाद में यूज़ आ जाएगा तो खुद बखुद हमें इनका इनकी समझ आएगी। ठीक है, सो दीज आर ऑपरेटर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल में इनको डेमोंस्ट्रेट करूँगा, मैं आपको यहाँ दिखाऊँगा कि इस तरह हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। नाउ देयर इज़ अ टास्क फॉर यू पीपल, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क यू टू एंटर टू वैल्यूज एंड देन फाइंड देयर सम एंड प्रोडक्ट। ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें कीबोर्ड के थ्रू आप दो नंबर्स एंटर कर दें और दोनों नंबर का आप सम और प्रोडक्ट फाइंड कर दें, दोनों को ऐड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें। Also, the program checks whether the two values are equal or not. इसके साथ साथ एक तो ये कि आप सम और प्रोडक्ट प्रिंट कर दें, दूसरा आपका प्रोग्राम ये देखे कि दोनों वैल्यूज जो आपने एंटर कर दें ये इक्वल है या नहीं है। If the two values are not equal, then it prints the larger value. अगर दोनों नंबर इक्वल नहीं है तो जो नंबर दोनों में से बड़ा है वो आपने प्रिंट करना है। सो दिस इज़ अ टास्क फॉर यू पीपल, परफॉर्म दिस टास्क एंड आस्क इन कमेंट इफ़ यू फेस सम प्रॉब्लम। Thank you so much for watching. Keep watching the videos. Also share the videos with your friends. Allah Hafiz.